क्या बात है। अच्छा जी, तो आज हम घर वालों को देने लगे सरप्राइज। और अभी जो है ना वो तैयार हो गए, व्हाट्सएप भी तैयार हो गया है। व्हाट्सएप ने ना वो जैकेट पहनी है सर्दी की, क्या देखने यार क्यों पहनी है, तो कमरे में क्यों पहनी है, ये वजह है भाई को सस्पेंड नहीं कर। थैंक यू जी, केक लेके घर चलते हैं, घर वालों को जाके जो है ना वो सरप्राइज देते हैं। आज की वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थोड़ा सा अपनी लैब से हट के, तो काफ़ी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें मज़ा आया। तो मुझे भी ये लगता है कि लोगों को जो है ना इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना चीज़ डिलीवर करनी चाहिए। आज हमारे लिए काफ़ी स्पेशल दिन है और ये मेरे भाई और जो वीडियो बना रहे हैं वो भी भाई स्पेशली ये हमारे पास इधर हाजिर हुए हैं लाहौर से। लाहौर के पास ही इनका शहर है मुरीद के, वहाँ से ये आए हैं। तो अभी जो है ना हमने घर वालों को देना सरप्राइज। सब यार ऑर्डर क्या किया है यार, हमने शेक किया है। अच्छा, डोनट किया है अभी के लिए, अभी और वो जो सरप्राइज देना वो बाद में है, वो बाद में। अच्छा, तो अभी जो है ना, अब ओहो ये किटकैट शेक आ ही गया है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सिर्फ दो बंदों के लिए ऑर्डर किया कि मेरा किधर गया है? सर आपके लिए नहीं, हमने क्यों यार, क्योंकि सर आप वीडियो में मसरूफ है इसलिए। ये तो जाती है ना। अच्छा जी, अब जो हम चलते हैं ना ये चेक करें जनाब, इन्होंने पहले से जो है ना ये थोड़ी सी तवाजो इधर बाइसेंस कैफे पे हमारे लिए की है। अब जैसा अभी पकड़ लो कैमरा, ये आपका जी, अपने बड़े भाई ये टैग करो यार, मैंने तुम्हें बोला था बाइक में ले आए, नहीं नहीं देखो भी टेस्ट करता, नहीं नहीं मैंने नहीं करा, वीडियो बना रहे हैं मैं आपका। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो आज हम घर वालों को देने लगे हैं सरप्राइज, उसकी रीज़न ये है कि आज काफ़ी स्पेशल जो है ना वो देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा उसके लिए हमने घर वालों के लिए लिया केक, वो भी स्पेशल किस्म का। अभी आपको दिखाते हैं मेरे पास, अभी नहीं शाम को दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, तो शाम को दिखा देते हैं। लिया किधर से? लिया ये जो है ना वो लिया है ये बाइसेंस कैफे से, इनकी जगह भी अच्छी है और इनके जो है ना अब प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो जो भाई वीडियो बना रहे हैं उन्होंने ऑर्डर किया था, घर वालों को लगता है कि हमने जो है ना वो ऑर्डर नहीं किया, बट ऑलरेडी केक जो है वो हमने रेडी करवाया हुआ है, अभी लेने आए थे, लेकिन हमने सोचा कि यार एन मौके पे जो है ना जब सरप्राइज देना है तब हम केक जो है ना उसका रिवील करें। आप लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे कि आप लोग भी देखें केक किस किस्म का, क्योंकि खुशी है ना, तो खुशी हर बाप के लिए होती है, तो इसी वजह से हमने केक बड़ा ही दिल से बनवाया है। तो वेट करें जब तक केक जो है हम आपको नहीं दिखाते, और इस पूरे व्लॉग को जो है ना इंजॉय करें, होपफुली आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, तो व्हाट्सएप मेरी तरफ कर रहे हैं, ये देखें आगे सही आ रही शक्ल, ये बात तो याद, जैसे कि आप सबको बताया था कि हमने जो है ना सरप्राइज देना घर वालों को, और ये क्या हो रहा है अच्छा, जो आधे गाड़ी चला रहा हूँ मैनुअल काफ़ी अच्छे बाद, बट आपने बताना है बाद में कि यार ठीक चलाई भी है कि नहीं, लेकिन ये है कि अभी वो केक लेने हम जा रहे हैं ठीक है, और केक का जो है वो रिवील भी हम थोड़ी सी देर में करेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले जो है ना वो हम आप लोगों के साथ केक का जो है वो रिवील कर लें, जो फेस नहीं केक रिवील कर लें, और फिर बाद में जाके जो घर वालों को सरप्राइज देना ना उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करें। तो बस अभी जा रहे हैं, बारिश हो रही है देखें, और पीछे दो भाई बैठे हुए हैं, एक ने शक्ल दिखानी है एक ने नहीं दिखानी। खैर, तो मौसम को भी इंजॉय करें और हम लेने जा रहे हैं उसको भी इंजॉय करें, तो हमारे साथ चले बस। जिस तरह के आपको मैंने बताया था, अभी हम केक जो है ना वो काफ़ी बड़ा केक है ना वो लेने आ गए हैं, और बस अभी जो है ना कुछ केक लेने जा रहे हैं। बट साहब ठीक है, केक जो है वो ऊपर
लेकिन ये कोई और निकालने लगे हैं और ये किसी का लगे तो ये है कि अभी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को पहले दिखा देते हैं यार, देखो जी ये माशाल्लाह माशाल्लाह केक जो है बनाया। आप क्या कहते हैं केक अच्छा अपना नहीं दिखा रहा ना यार, जबरदस्त है। अच्छा यार आप इसका रिव्यू दें अच्छे वाला, आपको पता नहीं अभी कितनी है। अच्छा दिखाऊं ना अंदर से, ये देखिए मैं अभी इसमें कितनी है बारिश तो ठीक है और अभी जो है वो हम सारा सामान लेके जो है घर जा रहे हैं। इतना वो क्यों है ध्यान रखना, मेरी झोली में अगर किसी को कुछ हो गया ना तो हम सब अपने आप को कभी जिंदगी में माफ कर सकते हैं। बट ना वो दरअसल सुनील मांझे की बात पे ना सीरियस हो गया हुआ है कि आप जो है ना गाड़ी पे पैसे लगाओ गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी, ऐसी है ना। ऐसी है तो आगे जरा आराम से चलाए। और अभी जो है ना वो तैयार हो गए, बाटा भी तैयार हो गया है। इस बाटा ने ना वो जैकेट पहनी है सर्दी, क्योंकि ये देखें यार क्यों पहनी है, पता नहीं क्यों पहनी है। ये वजह है बारिश, मैं कहता हूँ अखीर बारिश, ऐसे ऐसे नजर ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो फिलहाल जो है ना हम कुछ गेस्ट को जो है वो रिसीव करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो घर वालों के सामने एक जो है वो रिवील करेंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे कैसा रिएक्शन। बाकी अल्लाह ख्याल करे, अल्लाह की रहमत है, ये इधर भी रहमत है और हमारे घर में भी रहमत है। तो बस ये है कि अभी बारिश में फंसे हुए हैं और बस लेने जा रहे हैं, लेने के बाद हम घर वापस जाएंगे और लेना आपको बताएंगे टोटल ऑल इन ऑल ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, जब तक हमारे साथ रहना आपने, जब तक हम एक जो है वो घर वालों के लिए रिवील नहीं करते आपने हमारे साथ रहना है, वादा करें आप। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो, टाइम जो है ना अब टाइम इतना ही रह गया कि आप लोग कहें कि हम अभी करेंगे तो बाद में। इंशाल्लाह आपका भाई बहुत जल्द बहुत बड़ा ब्लॉगर बनेगा, क्यों कर सकते हैं इंशाल्लाह चैनल चलेगा हमारा। बाकी दुआ में याद रखें और मिलते हैं आपसे केक की ओपनिंग पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताना ये था कि बारिश जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे ये कपड़े ये पहनने पड़े हैं, हालांकि बढ़ते यू नो सो लेकिन हाँ बहुत अफसोस हुआ यार, बहुत ज़्यादा दुख, इंतहाई दुख। अभी जो हम केक लेके आए और उसको जो है वो घर वालों के लिए सामने सरप्राइज़ किया वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, और काफ़ी इंजॉय किया घर वालों ने, लेकिन
हुआ बता क्या है एंड पे, क्योंकि मैं सारा जो हमारा इवेंट है उसको उसका इख्तिताम हो गया है और मैं जो है वो अभी एंड पे, क्योंकि मेहमानों को मैंने सर्व करना था और उसके बाद जो है तब अभी ही मुझे टाइम मिला है, तो मैं जो है वो आपके सामने जो शेयर करने लगा हूँ, बहुत दुख है मुझे भी इस चीज़ का। और जाहिर सी बात है जो आपने इतने गेस्ट बुलाए होते हैं उनको भी इस चीज़ का दुख होता है और उनके सामने शर्मिंदगी ज़्यादा होती है। हुआ पता क्या कि एक तो उसकी जो डेकोरेशन थी जो हमें चाहिए था वो तो आउट क्लास था, लेकिन उसकी जो क्रीम थी उसकी जो क्रीम की लेयर्स थी, जो एक उसका पूरा पोर्शन था ऑलमोस्ट वो मेरे ख्याल से कोई 3-2 to 3 pounds का उसका पोर्शन था, वो वाला वो इंतहाई कड़वा था, ठीक है, इतना बिटर टेस्ट था कि हम सोच नहीं सकते थे। और वो मेहमानों को हमने सर्व ही नहीं किया क्योंकि हमारी शर्मिंदगी, मतलब हमारे लिए बेइज्जती और हमारे लिए अफसोस का मुकाम था कि हम जो है वो इस तरह की चीज़ अपने गेस्ट को देते, तो मुझे इंतहाई दुख हुआ इस चीज़ का। और हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, लाजमी करेंगे, और उसके प्रूफ के लिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो है ये उसका जो बकाया जात है ये मैंने रख लिया है, और ये पूरी उसकी लेयर्स थी और आधे से ज़्यादा हमने फेंक दिया है। ये बस इसलिए रखा था क्योंकि ये मैं जो है ना उनको दिखाऊं कि हमने सर्व किया ये किस तरह का, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन खैर जब आपके रिलेटिव आपके कोऑपरेटिव हों और खुशी इतनी थी तो इस वजह से किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ खैर ऑफियस ही हो गया। और जिन जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि हम इनको जो है वो कंप्लेंट करें और किस कितनी हैवी लेवल की करें। तो भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।